हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर ज्योति रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स स्कूल ऑफ साइंस उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आज हम डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन सपोज हमने ये फंक्शन एफ एक्स लिया, किसी फंक्शन का उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस आता है ये उस रेट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी दो डेफिनेशन है, पहली फिजिकल और सेकेंड ज्योमेट्रिकल। पहली फिजिकल डेफिनेशन, किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने पर उसके डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आते हैं उस रेट को डिफरेंशिएशन कहते हैं। इट्स मीन दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशिएशन। इसका जो रिजल्ट आता है वो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कहलाता है। एक चीज का ध्यान रखेगा कि डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या है, एक प्रोसेस है और डेरिवेटिव उसका रिजल्ट है। अब हम सेकंड देखेंगे इसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन को। ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन स्टूडेंट, आप लोगों ने बहुत बार इस डेफिनेशन को देखा भी होगा। इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है डिफरेंशिएशन का वो होता है d by dx fx is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h। अगर पॉइंट x इज इक्वल टू a पर हम dy by dx की वैल्यू निकालते हैं तो एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है tan थीटा। अब आप यहां पे कहेंगे कि ये थीटा क्या है और y से इसका रिलेशन क्या है, तो इसे हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स और ये वो पॉइंट है जिस पर हमने डेरिवेटिव निकालना है। अब हम एच डिस्टेंस से आगे की ओर चलते हैं तो यहां पर एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो ए प्लस एच हो जाएगी और x इज इक्वल टू a के लिए ये हमारा एफ ए हो जाएगा और x बराबर a प्लस एच के लिए ये एफ ऑफ a प्लस एच होगा। अब जब हम इसे मिलाते हैं और यहां पे हमारा एंगल थीटा बन जाता है तो यहां देखिए इससे इस पॉइंट को जोड़ने पर इसकी वैल्यू एफ ए है, ये एफ ऑफ a प्लस एच है तो यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। अब इस वाले ट्राइंगल से हम टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। जब ये लिमिट एच जीरो की ओर को टेंस करेगी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, तो ये हमारा डी वाई बाय डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब कि
जब ये लिमिट h जीरो की ओर को जाएगी तो f ऑफ a प्लस h का जो मान है वो f ऑफ a प्लस h हमारा f ऑफ a की ओर को आने लगेगा, और इस पॉइंट पर हमारा एक स्लोप बनेगा ये एक टेंजेंट की तरह काम करेगा। उसी तरीके से ये वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, टेन थीटा के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से यहां पे जो ये वैल्यू आ जाएगी वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, टेन थीटा के बराबर। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू a ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx एट x इज इक्वल टू a पर। कहने का मतलब कि किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर अगर हम dy by dx का मान निकालते हैं, इसका dy by dx का मान निकाले, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो वास्तव में उस फंक्शन का यदि ग्राफ खींचा जाए और उस ग्राफ के पॉइंट जो है हमारे पास x इज इक्वल टू a पर एक टेंजेंट खींचा जाए और उस टेंजेंट का जो x अक्ष के सापेक्ष एंगल बनाता है यानी कि उसकी जो टेंथ वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, dy by dx के बराबर हो जाएगी। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको कुछ इसके फॉर्मूले बताऊंगी। dy by dx x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस वन, d by dx साइन x इज इक्वल टू cos x, डी बाय डी एक्स cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x, ऐसे ही डी बाय डी एक्स log x इज इक्वल टू वन बाय x, डी बाय डी एक्स e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x, ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो मैं यहाँ पे किसी एक फॉर्मूले को आपको प्रूफ करके बताऊंगी कि ये हमारा किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसको, हमारे पास डी बाई डी एक्स x की पावर n है। हम ले रहे हैं सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने ले लिया x की पावर n, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू x प्लस h की पावर n। और हमारा फॉर्मूला है जो अभी हमने इसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन में प्रूफ किया था, d by dx fx इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h। तो यहां पे देखेंगे, अब इसके लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास लिमिट h tends to 0 f of x plus h की वैल्यू है x प्लस एच की होल पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, यहां पे हो जाएगा x की पावर n, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन एक्स की होल पावर एन माइनस एक्स की पावर एन अपॉन एच। तो जो ये वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, हम एक्स की पावर एन कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन एक्स
की होल पावर n माइनस वन बचा, माइनस वन बचा अपॉन h, तो यहां पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो x की पावर n अपॉन h, और इसे हम बाइनोमियल थ्योरम से खोल लेंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन n h अपॉन x प्लस n सो ऑन अप टू माइनस वन, इससे कैंसिल हो गया तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो x की पावर n अपॉन h इंटू, इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ही ले रखा है मैंने n, तो ये कैंसिल हो गया तो यहां से लिमिट हट जाएगी और ये कितना आ जाएगा n x की पावर n माइनस वन, n माइनस वन। तो इस तरीके से d बाय बाय डी एक्स x की पावर n की वैल्यू आ जाएगी n x की पावर n माइनस वन। तो मैंने यहाँ पे जितने जो फॉर्मूले थे उनमें से कुछ फॉर्मूले आप यहाँ पे हमने करके बताए और उसी में से मैंने आपको उसका एक फॉर्मूले को प्रूफ करके बताया। तो ऐसे ही आप इसी से रिलेटेड सारे फॉर्मूलों को इसी तरीके से प्रूफ करके कर सकते हैं। थैंक यू।